हेलो फूडीज, वेलकम टू मोना इजी फूड मैजिक। आज मैं बना रही हूँ हार्ट शेप पेस्ट्री वैलेंटाइन डे स्पेशल। ये बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। चलो इसे कैसे बनाया देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप जितना मैदा लिया है। केक को फ्राई पैन में बनाऊंगी। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड भी यूज में ले सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप जितना कोको पाउडर ऐड कर लूँगी। नाउ अब मैं इसके अंदर जितना मैंने मैदा यूज में लिया है उसी के अकॉर्डिंग शुगर को ऐड किया 1.5। और अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड कर रही हूँ जो बिना फ्लेवर का हो। और अब मैं इसके अंदर 1 कप जितना कर्ड यूज में लूँगी। इससे बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनता है। मैंने यहाँ पे दूध को अवॉइड किया है, यहाँ पे मैंने कर्ड यूज़ किया है जिससे ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। केक मैंने विदाउट एगलेस बनाया है, हम एग यूज़ में नहीं लेते। तो अब मैं इसके अंदर पानी को ऐड किया है। यहाँ पे दूध मैंने अवॉइड किया तो पानी मिक्स करेंगे थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए। तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से बीट नहीं हो जाए। इसको हमें कट एंड फोल्ड मेथड से इसको बनाना है ताकि इसके अंदर अच्छे से ये फ्लफी बन जाए। 5 से 6 बार कट एंड फोल्ड मेथड से इसमें यूज़ लेना है। नाउ इन लास्ट में इसके अंदर मैंने 1/2 स्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड किया है जिससे ये अच्छा स्पंजी बन जाएगा। तो इसके अंदर हमने इसको मिक्स भी कर लिया है बेकिंग पाउडर, और इसको फिर से 2 मिनट के लिए कट एंड फोल्ड मेथड से इसको बीट करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इसे एक फ्राई पैन में ऐड कर लूँगी और इसको हल्का ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और अब मैं इसके अंदर ये जो पेस्ट है इसके अंदर ऐड कर लूँगी। सारा बैटर अब फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई बबल्स है वो निकल जाए। और फिर इसको हम इसे तवे पर बनाएंगे। इसे मैंने तवा ऑलरेडी गर्म कर रखा है, इसे तवे पे मैं रख दूंगी और इसको ढक दूंगी। इसको ज़्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, ठीक 15 मिनट बाद आप इसे चेक करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये पक्का रेडी हो चुका है। आप इसे नाइफ़ डाल के चेक कर लीजिए। अगर आपका नाइफ़ क्लियर आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये पक्का रेडी हो चुका है, ये केक बन चुका है। तो अब इसे 2 बार टैप करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका और कितना सुंदर दिख रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ फिंगर से, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट बना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये हार्ट शेप का कुकीज़ कटर था तो मैं इसके अंदर ऐसे हार्ट शेप से सारे पीसेस कट कर लूँगी। कटर तो हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, आप जो मन चाहे आकार में से कट कर सकते हैं। पर मैं वैलेंटाइन डे स्पेशल पर बना रही हूँ तो मैंने हार्ट शेप में कट किए हैं। मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम थी तो अब मैं इसको बीट कर लूँगी। बहुत ही इजिली बीट हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये सिर्फ पूरे 2 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितनी व्हिप क्रीम ली है और इसको मैं बीट करके दिखाऊंगी। जस्ट इन 2 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अब इसको हम पहले हल्की स्पीड में चलाएंगे। इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए होते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में इसे एकदम लाइट चलाया है। तो धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगी ताकि ये क्रीम अच्छे से बीट हो जाए। मशीन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते रहें, कभी कम कभी ज़्यादा। और इन लास्ट इसकी स्पीड फास्ट कर दीजिएगा जिससे क्रीम अच्छे से बीट हो जाए। देखिए, मैंने लास्ट में इसकी जब स्पीड तेज़ की तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाती है क्रीम। और इसको मैं हल्का सा और बीट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से और थिकनेस ले ले क्रीम। ये मैंने इसकी स्पीड 3rd नंबर वाले पॉइंट पे की है जिससे ये अच्छी बीट हो जाएगी। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ, ये क्रीम कैसे बनकर रेडी होती है। ये देखिए, व्हिपिंग क्रीम पूरी तरह से रेडी है। ये चम्मच से अगर नहीं गिरे तो आप समझ लेना कि क्रीम रेडी हो चुकी है। मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। और आप पाइपिंग बैग में भरने के बाद आप मन चाहे शेप में से डेकोरेट कर सकते हैं हार्ट शेप पेस्ट्री को। तो मैंने इसको एक सिंपल सी लेयर तैयार की है, ये देखिए। मैं इसको इस साइड से इसको डेकोरेट करने जा रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इन हार्ट शेप पेस्ट्री को रेडी कर सकते हैं। मैं इसके सारे पीसेस को ऐसे ही डेकोरेट कर लूँगी। आपको साथ में केक के कुछ टिप्स भी देती हूँ। आप केक बनाते समय केक को कट एंड फोल्ड मेथड से इनको बीट करते हो बैटर को, तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। और सेकंड मेथड मैं आपको क्रीम को लेकर बताती हूँ। जब भी आप क्रीम बीट करें उसी टाइम बीट करें जब आपको केक को डेकोरेट करना हो, अदरवाइज क्रीम
लूज हो जाएगी, तो और बिल्कुल भी थिकनेस नहीं लेगी, मेल्ट होती रहेगी बीच बीच में। जब भी आप केक डेकोरेट करें उसी टाइम ही बीट करें। तो ये मेरी पेस्ट्रीज रेडी हो चुकी है, सिंपल सी, जितने दिख रही है उतने ही खाने में ये डिलीशियस लग रही है। पेस्ट्री, हार्ट शेप पेस्ट्री बनकर रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिंपल सी दिखने वाली पेस्ट्री, इन लास्ट मैं इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स स्प्रिंकल कर रही हूँ सारी पेस्ट्रीज के ऊपर में। ये जितनी सिंपल दिख रही है उतनी ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, हाथ में लेने से ही ये टूटती हुई जा रही है। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बनी रहे मेरे साथ ऐसे ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।